करियर बनाने के बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां पे आप जस्ट अपने 12 के बाद आप अपने करियर को किन कोर्सेज के जरिए आगे बढ़ाना चाहते हो, ऐसे कोर्सेज की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 5 डिप्लोमा कोर्सेज इंडिया के। जी हाँ, इंडिया में ऐसे 5 बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज जिनके जरिए आप बहुत अच्छी सैलरी और अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से सेटअप कर सकते हो, ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, नोट डाउन कीजिए और देखिए कि इन 5 में से एक पर्टिकुलर कोर्स कौन सा आपके लिए बेस्ट है, जिस कोर्स के जरिए आप अपने करियर को अच्छे से शेपअप दे सकते हो। डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनके जरिए आपको अपने करियर को बेहतर तरीके से बनाना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के टाइमिंग में आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आप अपने करियर को डिप्लोमा कोर्सेज से, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज से, प्रोफेशनल कोर्सेज से, डिग्री कोर्सेज से आप आगे बढ़ाते हो। आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किन कोर्सेज के जरिए और कितना बजट और कितना पैसा आप अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च कर सकते हो जिसके जरिए आप अपने करियर को अच्छे से डेवलप कर सके। तो ऐसे में आपके लिए इस वीडियो में 5 डिप्लोमा कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आज आपको दे रहे हैं जो इंडिया के बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिन कोर्सेज के जरिए आप अपने लिए हाई सैलरी जॉब्स भी ले सकते हो और आप अपने करियर को इन डिप्लोमा कोर्सेज के जरिए बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके बहुत अच्छी सक्सेस आप इन कोर्सेज के जरिए ले सकते हो। तो आप वीडियो को पूरा देखो और जानो कि कौन से 5 डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, और ये किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं आप वो इन 5 डिप्लोमा कोर्सेज को आप ले सकते हो। आप अपनी स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग इन 5 में से एक डिप्लोमा कोर्स को आप चूज कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप इन अपने करियर को इनमें आगे बना के अच्छे से डेवलप कीजिएगा। तो पहला डिप्लोमा कोर्स है आपके लिए डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बूमिंग करियर ऑप्शन हो चुका है जहाँ पे बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज आपको डिजिटल मार्केटिंग करियर के ऊपर देखने को मिलेगी, क्योंकि आज के टाइमिंग में हर किसी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन डिजिटल वर्ल्ड पे करानी है, इंटरनेट के ऊपर करानी है। और जब डिजिटल पे और इंटरनेट पे अगर उनको मार्केटिंग करानी है तो वहाँ पे ज़रूरत होगी एक्सपर्ट्स की, और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे एक्सपर्ट्स हैं या जो अच्छी एक्सपर्टाइजेशन रखते हैं उन्हीं के जरिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है कि जस्ट अपने 12th को कंप्लीट करने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा कोर्सेज के जरिए अपने करियर को अच्छे से सवार सकते हैं, अच्छी सक्सेस इसमें आप पा सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आज के टाइमिंग में हर किसी को अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को इंटरनेट के ऊपर मार्केट करना है, इसकी वजह से उनको एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत है। दूसरी आपको जो है स्किल्स टू लर्न, आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन सी स्किल्स है जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस जिनके ऊपर करना है और जिनको आपने सीखना है, उनमें से SEO, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स एडवर्टाइजिंग जो है PPC एडवर्टाइजिंग, गूगल एनालिटिक्स, ईमेल मार्केटिंग, इस टाइप की बहुत सारी स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो आप अच्छे से अगर इनके ऊपर फोकस करें तो इनके जरिए बहुत अच्छे तरीके से आप अपने करियर को डिजिटल वर्ल्ड में डेवलप कर सकते हैं। जॉब प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें कि जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद, तो आपके सामने जॉब्स की बहुत अच्छी मौके होते हैं जहां पे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, SEO स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो, वेबसाइट डिजाइनर आप बन सकते हो, PPC एडवर्टाइजर एंड कैंपेन मैनेजर आप बन सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटर आप बन सकते हो, कॉन्टेंट डेवलपर आप बन सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल है जिनके जरिए आप डिजिटल मार्केटिंग में अपने करियर को बूस्टअप कर सकते हो। तो पहला डिप्लोमा कोर्स था डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। नंबर 2 डिप्लोमा कोर्स आपके लिए जस्ट आफ्टर 12th के बाद आप इन डिप्लोमा कोर्सेज को अपने लिए प्लान कर सकते हो और इनके जरिए अपने करियर को बेस्ट जो है डेवलप कर सकते हो। नंबर 2 डिप्लोमा कोर्स है डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग। जी हां, आज के टाइमिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि हमें हर प्रोडक्ट और हर सर्विसेज की मार्केटिंग करनी है, हर किसी प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केटिंग की जरूरत होती है, और ऐसे में मार्केटिंग के लिए हमें ग्राफिक्स की जरूरत होती है। तो बिना ग्राफिक्स की आज के डेट में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने कस्टमर्स को नहीं समझा सकते, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राफिक्स के जरिए आप जो है अपनी बात को इजीली समझा सकते हो। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर की। तो ऐसे में आप जस्ट अपना 12th के बाद अपना करियर
ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सेटअप करके बहुत अच्छा पैसा आप इसमें बना सकते हो। तो वाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हर किसी सर्विस और प्रोडक्ट को आज के टाइमिंग में ग्राफिक्स की ज़रूरत है, मार्केटिंग की ज़रूरत है, और मार्केटिंग की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर ग्राफिक्स की ज़रूरत होगी ही होगी। की स्किल्स टू लर्न, अगर हम बात करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कोरल ड्रो। ये एप्लीकेशन आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे बिजनेस लेवल पे कोरल ड्रो का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अडोबी का फोटोशॉप बहुत ज़्यादा यूज है, अडोबी के फोटोशॉप का और अडोबी का इलस्ट्रेटर, ये बहुत ही बेहतरीन तीन एप्लीकेशन है। जिन तीनों एप्लीकेशन की अगर नॉलेज आपको बहुत अच्छे तरीके से है तो आप किसी भी टाइप के ग्राफिक्स को आसानी से बना सकते हो। इसके अलावा दो अलग से एप्लीकेशन है जहाँ पे कि इनडिज़ाइन, आप अगर पब्लिशिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो इनडिज़ाइन भी आपको सीखना होगा। और अगला है आपके लिए अडोबी का आफ्टर इफेक्ट। अगर आपको मोशन डिज़ाइनिंग, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सीखना है तो वहाँ पे आपको अडोबी के आफ्टर इफेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सभी आपको मिलेंगे डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स के अंदर, और इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद आप अपने करियर को अच्छे से डेवलप कर सकते हो। नंबर थर्ड डिप्लोमा कोर्स है आपके लिए डिप्लोमा इन डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। जस्ट आप 12th के बाद अपना डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो डेटा साइंस के ऊपर, क्योंकि डेटा साइंस आज के टाइमिंग में एक तरीके से नया ऑयल हो चुका है। जैसे हमारे लिए ऑयल की ज़रूरत है, बिना डीजल और पेट्रोल का हमारे काम नहीं चल सकते, वैसे ही आज के टाइमिंग में इंडस्ट्री में डेटा के बगैर काम नहीं चल सकता। हर कंपनी का डेटा उनके लिए एक ऑयल की तरह हो गया है। तो ऐसे में डेटा मैनेजमेंट करना, डेटा को संभाल के रखना, डेटा को मैनिपुलेट करना, उन सभी के लिए डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की जरूरत होती है। तो जस्ट 12th के बाद आप अपना ये कोर्स डिप्लोमा इन डेटा साइंस के ऊपर आप एक कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, और इसके बाद आप अपना करियर डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस के ऊपर बड़े अच्छे से आप बना सकते हो। की स्किल्स जो आपने इसके ऊपर सीखने हैं, वहां पे डेटा एनालिटिक्स का, मशीन लर्निंग, पाइथन, SQL, डेटा मैनेजमेंट या विजुअलाइजेशन की स्किल्स को आपको सीखना होगा। ये ऐसी कुछ की स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप जो है अपना पूरा फोकस करें तो आप डेटा साइंस के ऊपर बहुत अच्छा वर्कआउट आप कर सकते हैं। जॉब प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें या जॉब प्रोफाइल की बात करें, तो यहाँ पे आपके लिए डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिटिक्स की बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, जहाँ पे कि हर कंपनी में आज के टाइम में ये प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं। और बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल्स हर कंपनी को डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के ऊपर अवेलेबिलिटी है। तो बहुत अच्छा कोर्स है। आप जस्ट 12th के बाद आप अपना करियर डिप्लोमा कोर्स के जरिए आप डेटा साइंस के ऊपर बना सकते हैं। कोर्स नंबर 4 है आपके लिए डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। जी हाँ, मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट की आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए आप जो है बड़े बड़े कोर्सेज करते हो, आप MBA करते हो, आप BBA करते हो, लेकिन अगर आप मास्टर डिग्री नहीं कर सकते, आप बैचलर डिग्री नहीं कर सकते, आपके पास इतना फंड नहीं है, आपके पास अपना पैसा नहीं है इतना कि आप अपने एजुकेशन के ऊपर खर्च करें, तो आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। जी हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट के इस डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर भी आप वही स्किल सीखते हो जो आपको BBA या MBA के अंदर बिजनेस को डेवलप करने के लिए सिखाई जाती है। लेवल थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं, बट आप वो चीज़ें डिप्लोमा में भी कर सकते हो। तो डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आपको कैसे बिजनेस को डेवलप करना है, कैसे बिजनेस को क्रिएट करना है, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, उन सभी चीज़ों को सिखाया जाता है। और आप इन सभी चीज़ों को सीख सकते हैं डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स के जरिए। तो बहुत अच्छा कोर्स है। जस्ट 12th के बाद कम बजट में, कम फीस में आप बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल्स को सीखना चाहते हो तो वो आप डिप्लोमा कोर्स के जरिए सीख सकते हो। इसकी स्किल्स के बारे में अगर हम जानेंगे, जहाँ पे कि स्किल्स टू लर्न, जहाँ पे आपको मैनेजमेंट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, फाइनेंस और बिजनेस एंड लॉ के बारे में बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और जॉब प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको जो जॉब प्रोफाइल्स मिलती है, जहाँ पे कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर या एंटरप्रेन्योर और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के रूप में आप अपने करियर को बिजनेस मैनेजमेंट फील्ड्स में बना सकते हो जस्ट एक डिप्लोमा कोर्स के जरिए, जो आपको आफ्टर 12th के बाद करना होगा। तो बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसके जरिए अपने करियर को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो। आखिरी कोर्स है नंबर 5। जैसे कि मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में ऐसे 5 डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ जो इस वक्त इंडिया में काफ़ी इन डिमांड है और काफ़ी बूम में है, और ये 5 बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियोज में प्रोवाइड कर रहा हूँ। 5वां जो डिप्लोमा कोर्स है आपके लिए वो है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, DIT, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
इंफॉर्मेशन की फील्ड्स में, आईटी की फील्ड्स में डिप्लोमा कोर्स करके आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में अपने करियर को डेवलप कर सकते हो। आईटी सेक्टर्स में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप आगे चल के बीटेक नहीं कर पा रहे हो, बहुत हायर है, बहुत मोटी फीस है, आप एमटेक नहीं कर पा रहे हो, बहुत मोटी फीस है, तो आप जो है ये कोर्स कर सकते हो जो है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डीआईटी का ये कोर्स, जिसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आईटी सेक्टर्स में जो मेन एप्लीकेशंस है, मेन स्किल्स है, उनको आप डेवलप करते हो। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के ज़रिए जो आपकी की स्किल्स है जो आपकी डेवलप होंगी, वहाँ पे आप को नेटवर्किंग फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, डेटाबेस मैनेजमेंट में, प्रोग्रामिंग में, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की, इन सभी स्किल्स को आप सीखते हैं। और इसके जरिए आईटी इंफॉर्मेशन की आईटी की डिटेल्स को आप सीख के आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब्स क्रिएट अपने लिए कर सकते हैं। जॉब प्रोस्पेक्टस की और जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें कोर्स को कंप्लीट करने के बाद किस तरह से आप कंपनियों में किन जॉब प्रोफाइल के जरिए आगे बढ़ सकते हो, तो वहाँ पे आपके लिए जॉब प्रोफाइल्स होगी आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट की, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, सिस्टम एनालिस्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में भी आप इसमें काम कर सकते हो। अगर आप जो है डीआईटी आपने आईटी में किया है या सीएस में किया है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए इन जॉब प्रोफाइल का वर्कआउट कर सकते हो। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके लिए 5 डिप्लोमा कोर्सेज जो इस वक्त इंडिया के बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज हैं। जस्ट आफ्टर 12 के बाद अगर आप कम फीस के कोर्सेज के जरिए अपने करियर को बढ़ाना चाहते हो, आप बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में, आपके पास मोटी फीस, मोटा पैसा नहीं है जिसके आप अपनी एजुकेशन में इतना खर्च कर सकें, तो वहाँ पे आपके लिए एक बेस्ट वे है डिप्लोमा कोर्सेज का, जहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज की फीस कम होती है, कम टाइमिंग में, कम फीस में आप इस करियर में आप बढ़ सकते हो आगे। और आगे चलते चलते जब आप इस सेक्टर्स में सेटअप हो जाओगे, अर्निंग करना शुरू कर दोगे, तो आप अपनी एजुकेशन को तब भी आगे बढ़ा सकते हो। तो एजुकेशन तो कभी भी की जा सकती है, कभी भी मार्केट के डिमांड के हिसाब से, नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने अंदर नई स्किल्स का डेवलपमेंट कर सकते हो। लेकिन जस्ट 12 के बाद जब आप अपने करियर को शुरुआत कर रहे हो और उसके बाद इतनी फंडिंग नहीं है, पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना मोटा पैसा आपकी एजुकेशन के ऊपर खर्च कर सकें, तो वहाँ पे आप अपना करियर जो इन डिमांड स्किल्स है, जो इन डिमांड रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज के जरिए आप बना सकते हो। तो आई होप ये 5 डिप्लोमा कोर्सेज आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे होंगे, जहाँ पे किसी भी एक डिप्लोमा कोर्सेज के जरिए आपने अपने करियर को आगे बढ़ाना है। और इनमें से कुछ डिप्लोमा कोर्सेज आपको हमारे डॉटेड इंस्टीट्यूट्स पे भी मिल जाएंगे। तो अगर आप ये डिप्लोमा कोर्सेज हमारे डॉटेड इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, आप जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, ये डीआईटी का कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज आपको हमारे डॉटेड इंस्टीट्यूट से भी अवेलेबल हैं। आप इनको हमारे डॉटेड इंस्टीट्यूट से दिल्ली में ऑफलाइन या घर बैठे ऑनलाइन भी ले सकते हो। तो अगर आपको घर से ही ज्वाइन करने हैं कोर्सेज, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के स्टोर सेक्शन में देखिए डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डीआईटी के कोर्सेज को, और उनको घर से ही ज्वाइन करके अपने करियर को डिप्लोमा कोर्सेज के जरिए इन फील्ड में डेवलप जरूर कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको आपके लिए कंप्लीट करने की। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।